आप पेशाब कहाँ करते हैं? वॉशरूम में ही करते हो? मतलब ये सवाल बनता तो नहीं है, पर सोचा कि पूछ लिया जाए, क्योंकि आजकल लोग कहीं भी कुछ भी करने लगते हैं। एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसे सुनते मन में सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या ट्रेन में सफ़र करना भी सुरक्षित नहीं है? इतने घिनौने काम को अंजाम दे दिया जाता है चलती ट्रेन में। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका पांडे और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश। झांसी का ये मामला है, जहां ट्रेन में एसी कोच में बुजुर्ग दंपति को खराब अनुभव का सामना करना पड़ा। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी कोच में शर्मनाक घटना सामने आई है। एसी कोच में एक शराबी ने वैज्ञानिक और उनकी पत्नी पर पेशाब कर दिया है। इस बात से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश निवासी डॉक्टर जीएन खरे 60 वर्षीय पत्नी के साथ बुधवार को संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहे थे। वरिष्ठ वैज्ञानिक जीएन खरे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से सेनावृत्त हैं। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कोच B3 में दंपति सीट नंबर 57 और 60 पर सवार थे। B3 कोच के साइड लोअर बर्थ में 63 पर दिल्ली निवासी रितेश भी महोबा से हजरत निजामुद्दीन यात्रा कर रहा था। जब ये सब हुआ तब ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन पहुंचने वाली थी। इसी दौरान नशे में धुत रितेश, जो आरोपी है, वो सीट से उठता है और बुजुर्ग दंपति पर पेशाब करने लगता है। दंपति ने रितेश को रोकने का भरसक प्रयास किया, समझाने की लाख कोशिश की, फिर भी यात्री नहीं माना। रितेश दोनों लोअर बर्थ पर पेशाब करता रहा। आखिरकार दंपति के शोर मचाने पर कोच में सवार अन्य यात्री जाग उठे। उन्होंने टीटी को घटना की सूचना दी। इस मामले में आरपीएफ इंस्पेक्टर रविंद्र कौशिक ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए। देखिए, ये घटना 4 तारीख को रात की, ये घटना 4 तारीख की है। तो दो, ये जो 12447 उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति में एक महिला यात्री द्वारा इस बात की रिपोर्ट कराई गई कि एक शराबी ने उनके ऊपर जो किया है, उस पर हमारे जो संबंधित विभाग के जो कर्मचारियों द्वारा तुरंत ही जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां, उनको इस बारे में जानकारी दी गई और उस जो व्यक्ति जो था जिसके ऊपर आरोप है, उसको झांसी स्टेशन पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर उतार के संबंधित जो धाराएं उनके खिलाफ, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता दंपति ने यात्रा कहाँ से शुरू करी और यात्रा कहाँ से कर रहे थे? वो लोग निजामुद्दीन जा रहे थे और ये जो आरोपी जो है वो भी वो महोबा से निजामुद्दीन का सफर कर रहा था। फिलहाल ट्रेन के झांसी पहुंचने पर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवक के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है। इस खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।